जगत गुरु राम भद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ में गुरु जी काफ़ी उत्साह का माहौल है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में क्योंकि आखिरकार 22 जनवरी का दिन जो है वो आ ही गया हमारी प्रतीक्षा पूरी हो गई प्रतीक्षा के समय बड़े प्रतीक्षा के क्षण बहुत ही उत्सुकता उच्चु, उच्चु, और विकलता के होते हैं और जब प्रतीक्षा पूर्ण होती है तो बहुत सुखद अनुभूति होती है हम लोगों ने साढ़े पाँच सौ वर्ष तक प्रतीक्षा की लाखों हिंदुओं का बलिदान हुआ और वही बलिदान आज वरदान के रूप में रामलला जी को ले आ रहा है और लंबा इंतजार जो है आखिरकार खत्म होने को है अभी और आप तो वहाँ अयोध्या जा भी रहे 22 जनवरी की नहीं मैं तो संघर्ष में भी था आंदोलन में था जेल जेल गया पुलिस के डंडे खाए नजरबंदी की सब कुछ तो किया और आपकी जो है काफी अहम मानी ओ भगवान की कृपा आप रामलला को कौन से रूप में देखते हैं बालक रूप में उसी प्रकार जैसे एक आचार्य अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को देखता है मैं उसी प्रकार देखता हूँ आज भी मैं अपनी सेवा जो करता हूँ मेरे जो राघव जी सर का मेरे से रामलला जी उनको मैं अपने बेड पर ही सुलाता हूँ रात में मेरा नियम है उन्हें दूर नहीं करता तो आप राम लल्ला को राघव जी क्यों कहते हैं कोई खास उसके पीछे कोई हाँ ना? कारण है कारण है कारण है बाद जी को राम राघव जी ही बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत का नियम है अब आपके गुजरात का भले नियम हो यहाँ तो का भी लोग नाम लेते हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता तो कौशल्या जी राम जी को राघव ही कहती थी और हम लोग उसी परिवार के हैं गुरु परिवार के हैं उनके वशिष्ठ वशिष्ट के ब्राह्मण है तो राघव कहने में एक और दुलार अनुभूत होता है एक लाड प्यार करने का मन होता है तो अभी जो है कि राम लल्ला की तीन मूर्तियां बनाई जा रही उसमें से किसी एक मूर्ति का चयन किया जाएगा तो आपके मुताबिक बालक राम जी जो है उनकी किस तरह की मूर्ति होनी चाहिए वही सुंदर बालक हो छोटा सा जैसे जन्म लेने वाला बालक होता है उसी प्रकार का बालक हो सुंदर उघड़ा हुआ कपोल हो घुराले बाल हो प्यारी प्यारी मनमोहक चितवन हो नासिका सब कुछ सुडौल हो और बहुत रूप हो इतना सुंदर हो जितना सुंदर कोई हो न सके ऐसी मूर्ति की मैं ऐसी आश, मूर्ति का चुनाव मैं करूँगा जैसे कि जो मंदिर भी जो बनाया जा रहा है उसमें विज्ञान के साथ जो है अपनी वैदिक परंपरा का भी ध्यान रखा गया है हाँ आप तो आपको चाचा बनाई रहे तो आप जानते हैं जैसे कि मंदिर जो है काफी भव्य बन रहा है आप तो खुद जा ही रहे हैं तो आप कब दर्शन करेंगे मैं बाइस को ही करूंगा और कोई खास पूजा करेंगे आप राम लला के जब दर्शन करेंगे तो पूजा तो करूंगा ही मैं पूजा कर भी रहा हूँ हमारा तो मेरा है, तो सबसे बड़ा उत्सव हमारे अयोध्या में मेरा ही हो रहा है एक हजार आठ कुंडी हर मंदिर हो रहा है इक्कीस सौ ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे और बहुत खर्च किया जा रहा है लगभग अरबों रुपयों का खर्च हमारे यहाँ हो रहा है इतना बड़ा उत्सव किसी का हो ही नहीं रहा है मेरे तृक और यहां अमृत महोत्सव भगवान राम ही मेरा मना रहे हैं क्योंकि उनकी गवाही मेरी गवाही नहीं उनका निर्णय दिलवाया था इससे लेकिन साढ़े पांच सौ साल का इंतजार जब खत्म हो रहा है उसी बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर काफी विवाद कर रही है ओ, तो, क्या रावण ने नहीं विवाद किया था <laughs> जी तो कई सारे उठ से बयान भी आ रहे हैं उत्तर दे दिया मैंने आपको वही तो पूरा तो कई सारे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो कुछ और ही बात कर रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर वो तो पागल हो चुका है सठिया गया सुनिए हिम वर्क लेकिन आपको लगता है कि अब ऐसे समय में जब साढ़े पांच सौ साल का इंतजार खत्म हो रहा है तो सभी पार्टियों को इकट्ठा आना चाहिए और चाहिए तो, तो सब कुछ पर कोई करे तब ना क्या राम जी की राम जी के लिए रावण को नहीं भक्त होना चाहिए था पर रावण नहीं भक्त हुआ तो खल भी राम जी के खल थे चौदह हजार की सेना थी लंका के दस करोड़ राक्षस थे तो कोई बात नहीं इस सब तो चलता है और जानती हैं जितना विरोध होता है उतना व्यक्ति का और महत्व तो बढ़ जाता है तो आपको क्या लग रहा है कि विरोध क्या किसी एक पार्टी का हो रहा है किसी एक व्यक्ति के कारण हो रहा है ये नहीं बहुत से बहुत से जयचंद्र रामचंद्र के विरोध में बहुत से जयचंद्र आ गए है कोई चिंता नहीं करनी चाहिए जयचंद्रो का निरंतर पराभव हुआ है और रामचंद्र की निरंतर जय हुई सियावर और रामचंद्र की जय चलिए गुरुजी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद थैंक यू